हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्के निटिंग। देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन ट्यूबेड रोज़ का डिज़ाइन है। वही ट्यूबेड रोज़ आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। देखिए, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर पे डाल सकते हो, बेबी स्वेटर पे डाल सकते हो, लेडीज जैकेट पे डाल सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। डिजाइन रंग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1 प्लस 2, 8 फंदों का डिजाइन है ये। इसमें मैंने 8 का मल्टीपल करके 16 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच कर दिया है। टोटल 19 फंदा डाला है यहाँ। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब यही रिपीट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर से एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 8 फंदों का डिजाइन है। इन्हें 8 फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, काउंट करते हैं, 2 4 6 8। इन्हें 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 2 डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड रो हर रंग साइड आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। सभी फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। थर्ड रो भी सेम रो 1 की तरह बुनना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए जिस स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 8 फंदों का डिजाइन है। इन्हें 8 फंदों को बार बार रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। 2 डिजाइन ख़त्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनिए एज स्टिच उल्टा। फोर्थ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो सभी फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टक करनी है आपको। देखिए, 2 फंदा आपको इस तरह से स्लिप कर लेंगे इस तरह से, फिर पीछे से ये 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टक करनी है आपको। जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से। अब देखिए, 3 फंदों का आपको एक फंदा बनाना है। ये 3 फंदों को एक फंदा बनाना है। ये 2 फंदों को इस तरह से स्लिप कर लेंगे इस तरह से, और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये 2 स्लिप फंदा आगे वाला एक फंदा को ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे इस तरह से।
तीन फंदों का एक फंदा हो गया। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, एक दो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, ये दो फंदों को छोड़कर आपको रिपीट करना है। यान ऊपर एक फंदा सीधा, यान ऊपर फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है आपको। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, यान ऊपर एक फंदा सीधा, यान ऊपर अब तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ये दो स्लिप फंदा इस तरह से आगे के एक फंदे को ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे इस तरह से, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, अब तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, स्लिप किया या दो फंदों को इस तरह से गिरा देंगे आगे के दो एक फंदे के ऊपर से इस तरह से। देखिए तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, ये चार फंदों को क्या करना है देखिए, जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, अब लास्ट में आपको दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से इस तरह से, दो काई करेंगे इस फंदे को और धागा पीछे, अब ये जिस चीज़ को सीधा बुनेंगे। सिक्स रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है, सिक्स रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सिक्स रो सेवेंथ रो, सेवेंथ रो एक फंदे से स्लिप करिए धागा आगे, अब दो फंदा उल्टा, एक दो, अब ये तीन फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, ये तीन फंदों को छोड़कर दो तीन, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, दो तीन, ये तीन फंदों को छोड़कर एक दो तीन, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब ये तीन फंदा उल्टा, ये सीधा फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, एज स्टिच सीधा। एट रो, एट रो सभी फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है। एट रो, एट रो पूरा सराय आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। नाइन्थ रो, नाइन्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए जिस चीज, धागा आगे, अब दो फंदा उल्टा, एक दो, अब ये तीन फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। धागा पीछे, नाइन्थ रो भी सेम रो सेवन की तरह बुनना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, एक दो तीन, तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, यहाँ से यहाँ तक आपका आठ फंदों को डिजाइन है। इन्हीं आठ फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा, एक दो, एज स्टिच सीधा। टेंथ रो,
टेंथ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है। टेंथ रो सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इलेवन रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, अब एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से। अब देखिए तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। दो फंदों को स्लिप कर लेंगे पहले, फिर एक फंदा सीधा, ये दो स्लिप फंदा इस तरह से गिराएंगे आगे के एक फंदों को ऊपर से इस तरह से। अब फिर जाली डालेंगे इस तरह से, अब एक फंदा सीधा। अब इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यार्न ओवर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे यार्न ओवर। अब ये तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये दो स्लिप फंदा इस तरह से गिराएंगे आगे के एक फंदे के ऊपर से इस तरह से। जाली डालेंगे, अब एक फंदा सीधा। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से रिपीट करेंगे। जाली डालेंगे, अब ये तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा, स्लिप वाला फंदा इस तरह से गिराएंगे आगे के एक फंदे के ऊपर से। और फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से। अब ये तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये स्लिप फंदा इस तरह से गिराएंगे आगे के एक फंदे के ऊपर, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में आपको एज स्टिच भी सीधा। टू बेल्ट रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। टू बेल्ट रो सभी फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है। टू बेल्ट रो देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन टू बेल्ट रो में आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करनी है, तो रिपीट करते जाना है। वन टू टू बेल्ट रोज, टू बेल्ट रोज आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। रिपीट करते जाने के बाद आपका ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।